हाय दोस्तों, आज हमारा एक मीठा आइटम स्वीट होगा जो कि उसका नाम है दोस्तों रवा है, सूजी रवा। देखिए, और इससे आज मीठा स्वीट एक शीरा बन जाएगा। यह दोस्तों हमारा बगनों में जो कि घी डाले हैं, घी है, और उसके साथ देखिए घी में अभी ये फ्राई होने वाले हैं जो कि सूजी रवा। फ्राई होने के बाद थोड़ा अच्छे से उसको फ्राई कर लेंगे। और दोस्तों घी में फ्राई करें तो बहुत ही टेस्टी लगता है सूजी रवा, और घी खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिट है। दोस्तों देखिए कितना सुंदर फ्राई हो चुका है, मैश हो रहा है। देखिए जो कि लाइट फ्राई कर लेंगे, और उसके साथ हम डालने वाले हैं दोस्तों ये है आलमंड्स, जो कि इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे जो कि खाने में और बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों देखिए अब इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद अभी पानी थोड़ा गर्म होते होते उसका जो है शुगर्स और दो चार इलायची और मिल्क भी इसमें ऐड होने वाला है। आपको बता रहे, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वन लाइक्स करें, वन कमेंट करें। देखिए हमारा जो पानी है हल्का सा गर्म हो चुका है, ये है हमारा शुगर्स जो चकड़ा है, चीनी है, चीनी कहो, चक्कर कहो या शुगर कहो, मोदरी पांडू कहो, जो भी कहो। और ये है उसमें दूध ऐड करने वाले हैं। देखिए दोस्तों ये जो है दूध अभी ऐड करने वाले हैं, अभी आएगा ना मजा गुरु। अभी उसको गर्म होने तक चीनी, जल और दूध अच्छा से उसका घुलन बन जाएगा। और ये है आलमंड्स, और इसमें देखो टक टक मार रहा है, ये है इलायची टक। देखिए इसमें जो इलायची है वो भी डाल चुके हैं। अभी तो गैस को लो कर देते हैं क्योंकि पानी ऊपर आ रहा है। और इसमें किशमिश भी मिस हो चुका है, किशमिश दे सकते हैं, काजू भी दे सकते हैं, कैशू नट्स। अभी देखिए दूध, जल, चीनी अच्छा से मिलने के बाद फिर अभी जो हमने फ्राई किया था सूजी रवा उसको जो कि डाले हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वन लाइक्स करो, वन कमेंट करो, और चैनल दोस्तों फॉलो करो, सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। और देखिए इसको और थोड़ा सूख सूख रखेंगे, सूख सूख नहीं, ढक्कन अभी। देखिए पानी पूरा खींच चुका है सूजी रवा ने, और हमारा जो कि शीरा अभी बनकर तैयार होने वाला है। हमने राइट खाने में टेस्टी रहेगा दोस्तों। थोड़े 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में करते हैं। तो लो फ्लेम में ही है। हमारा दोस्तों गर्मा गर्म शीरा जो कि रेडी हो चुका है।